हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको ऐसे तीन तरीके बताएंगे जिससे आप अपनी लाइफ में आप खुद टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। दोस्तों, आपको इन तीनों तरीकों को समझने से पहले ये समझना ज़रूरी होगा कि एक्चुअली में टाइम ट्रेवल होता क्या है। तो टाइम ट्रेवल क्या होता है? टाइम ट्रेवल का मतलब होता है फ्यूचर या फिर पास्ट को एक्सपीरियंस करना। आप समझ लीजिए, आप यदि आज से आने वाले 10 साल आगे क्या होगा ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या फिर आज आप पास्ट में चले जाते हैं एक्सपीरियंस करने की पास्ट में कैसा था ये चीज़ वो एक्सपीरियंस करने, तो वो एक तरह से हो गया हमारा टाइम ट्रेवल। अब आते हैं हम अपने तीनों पॉइंट पर। तो ये जो तीनों पॉइंट है वो डिसेंडिंग वाइज हैं, लाइक सबसे जो पहला है वो सबसे कठिन है करना, और सबसे लास्ट वाला सबसे आसान है, और थर्ड वाला इंटरेस्टिंग भी है। तो आप तीनों यानी लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो जो सबसे पहला तरीका है वो है कि आप किसी दूसरी गैलेक्सी या यूनिवर्स में चले जाइए। अब ये करना तो मुश्किल है, बट यदि आप ऐसा कर लेते हैं किसी तरह से, तो आप एक्चुअली में टाइम ट्रेवल कर लेंगे। अब कैसे? अब ज़रा थोड़ा सा यहाँ पे हम यूनिवर्स के बारे में समझते हैं कि हमें जो भी स्टार्स या फिर जो भी गैलेक्सी दिखता है यहाँ से, वो एक्चुअली पास्ट का होता है, क्योंकि उनकी लाइट हमारी आंखों तक आने में टाइम लगती है, क्योंकि वो गैलेक्सी यूनिवर्स हमसे बिलियंस ऑफ लाइट ईयर दूर हैं। तो उनके लाइट को ट्रेवल करके आने में हमारे पास भी हज़ारों से भी ज़्यादा साल का टाइम लग जाता है। तो एक्चुअली में जो हम गैलेक्सी या स्टार्स देख रहे होते हैं वो पुराने होते हैं। तो यदि हम किसी भी तरह से उन स्टार्स या गैलेक्सी पर चले जाएँ तो हम फ्यूचर देख सकते हैं पृथ्वी का। बट दोस्तों, ये एक्चुअली इसलिए नहीं पॉसिबल हो पाता है क्योंकि यदि आप उस यूनिवर्स में जाएंगे तो जाने में जितना आपका टाइम लगेगा और आने में फिर आपको जितना टाइम लगेगा, वो एक तरह से सब एडजस्ट होकर बराबर हो जाता है। तो इसलिए कोई इसका इफ़ेक्ट नहीं दिखेगा आपको एक्चुअल में। दोस्तों, जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप किसी दूसरे टाइम जोन में चले जाएँ। ये एक्चुअल में टाइम ट्रेवल नहीं है, बट एक काइंड ऑफ टाइम ट्रेवल आप इसे बोल सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कोई आदमी 2019 में प्लेन से चला था और 2018 में लैंड किया था, या ऐसे किसी भी ईयर को ले लीजिए। मान लीजिए कोई आदमी 2021 में प्लेन से चला और 2020 में प्लेन से उतरा, तो आप समझिए वो चला 21 में और 20 में जाके कैसे उतर रहा है। तो ये टाइम जोन से होता है, तो ये आप इसे एक तरह काइंड ऑफ टाइम ट्रेवल बोल सकते हैं, बट ये एक्चुअली में टाइम जोन का एक खेल है पूरा, ये टाइम ट्रेवल नहीं बोल सकते आप रियल में। बट आप एक्सपीरियंस या कैलेंडर वाइज देखेंगे तो आप पास्ट में ही जा रहे हैं। दोस्तों, जो तीसरा और सबसे इंटरेस्टिंग तरीका है वो ये है कि आप अपना पास्ट या फ्यूचर एक्सपीरियंस कर लीजिए। अब ऐसे तो नहीं है कि आप ऐसे एक्सपीरियंस कर लेंगे, तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आप इंडिया से हैं, ठीक है, और आपको आपका अगला आने वाला 10 साल कैसा दिखेगा, आपके आसपास के लोग, आपकी कंट्री में क्या चीज़ें चल रही हैं, ये सब सारी चीज़ें आज से 10-15 साल बाद कैसा दिखेगा, वो आप आज ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जी हाँ, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे मैं इंडिया का एग्जांपल लिया, आप किसी डेवलप कंट्री में चले जाइए, जैसे आप USA, जापान, किसी डेवलप कंट्री में चले जाइए, तो आप वहाँ पर जो देखेंगे इस समय वो आपके इंडिया के आने वाले 15 साल में वैसा स्टाइल होगा आपके इंडिया का। तो ये एक तरह से आप फ्यूचर एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, ये तरीका था ना इंटरेस्टिंग कि आप अपना फ्यूचर बस कैसा होगा, सराउंडिंग क्या होगा, चीज़ें आप किसी दूसरी कंट्री में जाइए और एक्सपीरियंस कर लीजिए। तो ये एक्चुअल में 100% पॉसिबल नहीं है कि वही होगा, बट मैक्सिमम मोस्ट ऑफ दी चीज़ें वैसी ही होती हैं। जैसे आप जैसे भी देखेंगे इंटरनेट, ये सब सारी चीज़ें इंडिया में भी आई हैं, जब जो कि फॉरेन जैसे जो डेवलप कंट्री हैं वहाँ पे पहले से ही ये सब चल रही हैं। तो आप जो भी जैसे भी देखिए, 5G इंडिया में आने वाला है, आप 5G हो रहा है, बट क्या है कि दूसरे जैसे डेवलप जो कंट्रियाँ हैं वहाँ पर 5G ऑलरेडी है। तो आप समझ सकते हैं कि यदि आप 5G एक्सपीरियंस करना चाहते हैं फ्यूचर में जो आएगा यहाँ पे, वो आप उन कंट्री में जाके उसी अभी भी जस्ट उसी टाइम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो एक तरह से आप टाइम ट्रेवल यानी फ्यूचर का ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको मज़ा आया होगा इन तरीकों को जान के कि आप कैसे टाइम ट्रेवल कर सकते हैं।
और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारा सी टू सी का मिशन है आपकी कन्फ्यूजन को क्लैरिटी में बदलना।